मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आइए, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कौन से कंपनी में हमने रहना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि जैसा संगत वैसा रंगत। जो कंपनी में आप रहते हो, जो कंपनी आपके आजू बाजू में है, उसका एवरेज आप हो। यदि मुझे कोई पूछा कि भाई इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, कितना फाइनेंस के पास में होगा, मतलब इसके आजू बाजू में 5 लोग हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस मुझे बताओ, उसका एवरेज निकालो, ये उसका हो जाएगा। भाई इसका व्यक्तिमत्व कैसा है, तो भाई आजू बाजू में 5 लोग जो उसके घूम रहे हैं या जो 5 लोग उसके आजू बाजू में हैं, उसका आप एवरेज निकालो, तो इसका एवरेज व्यक्तिमत्व जो है वो उसका एवरेज व्यक्तिमत्व होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके आजू बाजू के लोग कैसे हैं, आप कौन से संगत में रहते हो, वहाँ से आपका व्यक्तिमत्व बनता है, वहाँ से आपके एम्स बनते हैं, वहाँ से आपके गोल्स बनते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपकी जानकारी वहाँ से होती है कि आपकी कंपनी कैसी है। इसलिए आपको यदि कभी बड़ा बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा, बड़े लोगों की कंपनी में रहना पड़ेगा। सफल बनने के लिए क्या है, सफल बनने के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है, और वो सिंपल फार्मूला ऐसा है कि जो सफल लोग हैं उनके संगत में रहो। उन्होंने क्या किया वो देखो, वो जो उन्होंने किया होगा वो आप करो, तो वो आपको सफलता पक्की मिलने वाली, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता अपनाया हुआ है सफल बनने के लिए, वो रास्ता आप अपनाते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, सफलता मिल जाएगी। क्या होता है कि अंदर लोग आपके दिमाग में इतना काड़ी कचरा डालते हैं आपको पता ही नहीं। आप समझ के चलो कि कोई आपका एक दोस्त है, बाजू में रहता है, और एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। उसने समझो एक पूरा बकेट भर बहुत काड़ी कचरा लिया, आपके सवेरे घर में बाहर आया, बेल बजाए टिंग टोंग, और आपने दरवाजा जैसा खोला, वैसे उसने क्या किया कि उसने पूरी बकेट की बकेट जो खराब पानी की थी, काड़ी कचरा था, बहुत खराब सब ये था, वो आपके घर में, वो आपके हॉल में उसने खाली कर दी। आपको गुस्सा आ गया, मगर करेंगे क्या, वो दोस्त था और आपने वो साफ सफाई कर ली पूरी। और देखिए एक दो दिन हो गए, फिर वही दोस्त आ गया, आपका बाजू वाला है, जान पहचान वाला है, फिर आता है और वो दो बड़े बड़े थैले लेके आता है जिसमें बहुत खराब कचरा है, बहुत ही मतलब जो फेंकने लायक चीज़ है वो चीज़ है, और वो आपका बेल बजाता है, टिंग टोंग करता है, जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो वो आपके घर में वो पूरा जो सामान, खराब सामान जो है, कचरा जो है, वो डाल रहा है। अब क्या करोगे, आप फिर से साफ करोगे। मगर जब आपको मालूम है कि इसने पहले बार किया, इसने दूसरे बार किया, अब आप क्या करोगे, अभी तीसरे बार जब आता है और बेल दबाएगा तो आप दरवाजे पे खड़े रहेंगे और उसको अंदर आने ही देंगे नहीं। क्या आप वैसा करते हो आपके खुद के लिए, बाकी जीवन में, आपके जीवन में ऐसा होता है कि भाई आपके जीवन में पूरे जो निगेटिव लोग हैं, जो आपके दिमाग में काली कचरा डालते हैं, कूड़ा डालते हैं और खराब चीज़ें डालते रहते हैं, आप जैसा वो बाजू वाला आएगा तो आप दरवाजे में खड़े रहेंगे और उसको आने देंगे नहीं। क्या आप वैसे विचारों को अंदर आने देने के लिए रोकते हो, या वो लोगों के संपर्क में ना रहते हुए अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे ताकि वो कोई डालेंगे नहीं अंदर। हम कितने उसके सतर्क हैं, हम सतर्क है नहीं। एक तो हम खुद निगेटिव है, और जब हमारे आजू बाजू वाले निगेटिव लोग रहते हैं, वो नकारात्मक सोच उनकी है, नकारात्मक विचार डालते रहते हैं, और हम उनको अंदर डालते हैं, हम वो विचारों को, और हम भी फिर निगेटिव और निगेटिव बनते जाते हैं। आज से आपको यह तय करना है कि मैं अच्छे लोगों के संपर्क में रहूँगा, मैं ऐसे लोगों के संपर्क में रहूँगा कि जो संभावनाओं की बात कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के संपर्क में रहूँगा कि जो गॉसिपिंग नहीं करेंगे। क्या होता है, चार लोग बैठ रहे तो करते क्या है, गॉसिपिंग करेंगे, चर्चा करेंगे, पाछों के बारे में कुछ ना कुछ भलता गुलता बोलते रहेंगे, तो वो मैं नहीं करूँगा। ऐसे लोगों के लिए मैं, ऐसे लोगों के साथ में मैं रहूँगा कि जो प्लानिंग कर रहे हैं आगे कैसा बढ़ना चाहिए जीवन में, उनके साथ में रहूँगा। ऐसे लोगों के साथ में रहूँगा कि वो अपने बिजनेस बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, तो वो लोग आपको आगे लेके जाएंगे। तो आपके जीवन में आगे बढ़ने का है तो इतना ही आपको काम करने का है कि मेरे संपर्क में कौन लोग हैं, क्या मेरे संपर्क में निगेटिव लोग हैं, उनको बाजू में करो, अकेला रहो मगर निगेटिव लोगों के संपर्क में मत रहो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।